अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ काला खट्टा की दो रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट मैं बनाने वाली हूँ काला खट्टा टैंग पाउडर बनाने वाली हूँ। गर्मी है वो हिसाब से भी बता रही हूँ और अभी रमज़ान आ रहा है उस हिसाब से मैं भी बना रही हूँ। तो हमें शरबत वगैरह तो चाहिए रहता है, जूस वगैरह चाहिए रहता है, वो हिसाब से मैं आप लोगों के साथ में ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैं टैंग पाउडर बना रही हूँ और सिरप बना रही हूँ, काला खट्टा सिरप। तो यहाँ पर देखिए काला खट्टा जो टैंग पाउडर है उसका इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए। हाफ कप मैंने यहाँ पे शुगर लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा। जीरा इसके अंदर होना ज़रूरी है काला खट्टा जो भी हम बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है, मैंने यहाँ पर रेड कलर, और यहाँ अगर आपके पास में ब्लैक कलर मिल जाता है आपको तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ब्लैक कलर नहीं मिलता है तो आपने क्या करना है, ग्रीन और रेड कलर को मिक्स कर देना है, वो ऑटोमेटिकली ब्लैक बन जाएगा, ब्लैक कलर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ टी स्पून, मैंने यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट लिया है, काला नमक जिसे कहते हैं वो मैंने लिया है। यहाँ पर मैंने 1/4 टी स्पून, मैंने 1/4 टी स्पून मैंने लिया हुआ है यहाँ पर टाटरी, टाटरी भी कहते हैं, नींबू का फूल भी इसे कहते हैं, जो नींबू का फूल होता है ये बहुत खट्टा होता है, इस वजह से मैं यहाँ पर काला खट्टा हम बना रहे हैं। तो ये कोई भी ग्रोसरी स्टोर में आराम से मिल जाता है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट इसका इंग्रेडिएंट्स है वो आप देख लीजिए, जीरा। अगर नींबू इसका नींबू का फूल जो इसे हम कहते हैं, जिसे हम टाटरी कहते हैं, तो अगर आपके पास में वो नहीं है तो फिर आपने इसके अंदर, जैसे ये अभी 1/4 टी स्पून जैसे हाफ कप में लगेगा तो आपको 5 से 6 नींबू लग जाएंगे इस रेसिपी को बनाने में, या जैसे 1/4 टी स्पून जो काम करता है टाटरी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आप भी देखिए शुगर मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर, यहाँ पर जो नींबू का फूल है वो मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 टीस्पून। ध्यान रखिएगा अगर आप 1/4 टीस्पून आपके पास में टाटरी नहीं है, नींबू का फूल अगर आपके पास में नहीं है, तो फिर आपने इसके अंदर 6 से 7 नींबू का जूस लेना है बड़े से। और यहाँ पर ये जो कलर है ये कलर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, यहाँ पर ये जो जीरा मैंने लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और यहाँ पर जो काला नमक है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से हमें ग्राइंड करना है, फाइन इसका पाउडर बना लेना है। यहाँ पे देखिए इसे मैंने फाइन पाउडर में एकदम पीस के लेकर आ गई हूँ, और ये हमारा जो काला खट्टा टैंग पाउडर है ये बनके रेडी है। अभी आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको इसको बनाकर भी दिखाऊंगी तो आपको कलर पता चल जाएगा आप लोगों के सामने ही। तो अभी मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। देखिए अभी मैंने काला खट्टा टैंग तो आपको बनाकर दिखा दिया टैंग पाउडर, तो अभी हम इसका काला खट्टा सिरप बनाएंगे। तो सिरप के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैंने शुगर लिया हुआ है, वही आपने नाप लेना है, वही कप से हाफ कप आपने वाटर लेना है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून काला नमक लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर नींबू का फूल जिसे टाटरी कहते हैं वो मैंने लिया हुआ है। अगेन मैंने कलर जो है ग्रीन कलर और रेड कलर मैंने लिया हुआ है, मैंने लिया है 1/4 टीस्पून दोनों भी मिलाकर मैंने लिया हुआ है। अगर आपके पास में ब्लैक कलर मिल जाता है आपको एडेबल ब्लैक कलर, तो आप ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जीरा मैंने 1 टीस्पून लिया हुआ है, तो इसे हमें बनाना कैसे है ये आप देख लीजिए, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 कप शुगर, और इसके बाद में मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 कप वाटर, ज़ीरा इसमें ऐड कर दूंगी, नींबू का फूल इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा मैं नींबू का फूल इसमें ऐड कर रही हूँ, मेरे पास में टाटरी ग्रोसरी स्टोर में हमारे इधर आराम से मिल जाता है, मतलब कि बनिए के यहाँ पर आराम से मिल जाता है, इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास में नहीं मिलता है तो आपने इसको 6 से 7 बड़े बड़े से नींबू लेना है, और फिर आप जब भी ये सिरप बना के रख लीजिए, जब भी आपको खाना है, सॉरी जब भी आपने इसका सिरप बनाओगे, सॉरी शरबत बनाओगे, या फिर आपने इसका जूस बनाओगे, या फिर आप इसका गोला बनाओगे, तो फिर तब आपने इसके अंदर नींबू ऐड करना है अपने खट्टापन के हिसाब से। अब इसके अंदर ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ, कलर मैंने मिक्स कर लिया है, ये देखिए आपको ऑटोमेटिकली ये दिखने लगेगा, ये देखिए कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया है। तो अभी हम इसको गैस पर चढ़ाएंगे, अभी हम इसको स्लो फ्लेम पर मैं इसको अच्छे से कुक करूंगी। इतना हमने कुक करना है, इसको एक तार या दो तार का बिल्कुल नहीं करना है, हमें इतना कुक करना है कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, मतलब हमें ये थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए, इतना हमें इसे कुक कर लेना है। तो स्लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे ताकि जो जीरा का फ्लेवर है वो पूरा इस जो हम इसका सिरप बना रहे हैं उसके अंदर आ जाए, काला खट्टा सिरप बना रहे हैं उसके अंदर इसका फ्लेवर जीरे का अच्छे से आ जाए। तो स्लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे, हमें 5 से 7 मिनट लगेगा, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी।
देखिए इसको मैंने 5 मिनट अच्छे से कुक कर लिया और ये एकदम ये देखिए गाढ़ा हो चुका है, चिपचिपा हुआ है, बट ये नहीं है कि ये एक तार या दो तार का, ऐसा नहीं है। तो अभी इसे हम बंद कर देंगे, गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देंगे। जो सिरप है वो रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो अभी मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेनर रख दिया, छन्नी रख दी है, और अभी मैं ये जो काला खट्टा सिरप है इसे मैं छान लूंगी ताकि जितना भी हमने इसमें जीरा वगैरह जो भी डाला था तो वो ऊपर रह जाए, और जब भी हम इसका शरबत बनाए या हम जूस बनाए, सोडा बनाए, तो वो हमें इसके अंदर जीरा नहीं आए, गोला वगैरह बनाए, तो वो सब हमें इसके हमारे मुंह में जो है ये जो अक्खा जीरा है वो नहीं आए। तो बस ये देखिए मैंने इसको ड्रेन आउट करके ये जो जीरा है इसे मैं हटा दूंगी, ये देखिए। और ये जो काला खट्टा जो सिरप बन के रेडी हुआ है इसको 6 मंथ तक आप इसको एयरटाइट बॉटल के अंदर रख कर इसके आप डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज ट्राई कर सकते हो। इसका शरबत भी बनता है, इसका सोडा भी बनता है, एंड देन फिर इसका गोला भी बनता है। और सेम ऐसे ही ये देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है अभी काला खट्टा टैंक पाउडर, तो इससे भी आप शरबत बना सकते हो और इसे भी आप 6 महीने तक इसको स्टोर करके रख सकते हो एयरटाइट कंटेनर में। तो इन दोनों से मैं आप लोगों को अभी बनाकर दिखाती हूँ डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज। ये टैंक पाउडर है और यहाँ पर मैंने कुछ आइस क्यूब्स ग्लास में डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर ये टैंक पाउडर डाल दीजिए। मैंने 2 चम्मच डाला है और आप चाहो तो इसको मीठे सोडे से भी बना सकते हो। तो ये देखिए अभी मैं इसके अंदर पानी ऐड करने वाली हूँ, इस तरीके से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी तो यहाँ पे देखिए काला खट्टा जो शरबत है ये बनकर एकदम से तैयार है। तो बस अभी मैं आपको वो सिरप जो मैंने बनाया था, सिरप से मैं आपको मीठा सोडा और आपको मैं गोला बनाकर दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने गोला बना लिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये मैं गोला थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ, ये देखिए आप इस तरीके से इसके अंदर ये अच्छे से डाल दीजिए। ये देखिए ये हमारा गोला भी बनकर एकदम से रेडी है, इसके अंदर मैं फिर से इसको डाल देती हूँ। गोला भी हमारा जो है वो बनकर एकदम तैयार है। अब मैं आपको मीठा सोडा बनाने का बताती हूँ कि किस तरीके से इसका मीठा सोडा बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर जितना आपको चाहिए आप उतना इसके अंदर ये काला खट्टा सिरप डाल दीजिए। मैंने 3 टीस्पून डाला है और हम इसके अंदर मीठा सोडा ऐड कर देंगे और ये जो है हमारा काला खट्टा मीठा सोडा बनकर रेडी है। तो मैंने आपको 3 तरीके का बताया है, अभी इसके आगे आप और भी अगर आपको ऐड करना है, आपके अंदर वेरिएशन है तो आप ऐड कर लीजिए। ये तो हो गया हमारा, गर्मी है तो गोला जो है मेरा वो बहुत पिघल रहा है। तो यहाँ पर हो गया है शरबत, ये टैंक पाउडर का शरबत है, ये मैंने बनाया है मीठा सोडा और ये मैंने बना दिया है गोला। तो चलिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, यहाँ पर कर लेते शायद कैमरा से दिख नहीं रहा है, हाँ। तो चलिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।